तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस जिसमें बात करने वाले हैं हमारा M187 इनक्यूबेटर के बारे में। तो अभी गाइस हम लोग हमारा M187 इनक्यूबेटर का सारा गॉन्च के मुझे फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट से देखना है, कैमरा वीडियो को स्किप नहीं करना है। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई क्या छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, और गाइस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे M187 इनक्यूबेटर में सबसे हार्श में आपको ये वाला स्किन देखने मिलेगा। तो जब देख पा रहे बहुत ओफी वाला स्किन है। तो इसके गाइस एट्रीब्यूट्स की बात करें, गाइस के डैमेज को 1+ किया गया है, और इसके रेट ऑफ फायर को 2+ किया गया है, और इसके मूवमेंट स्पीड को 1- किया गया है। तो हमारा M187 इनक्यूबेटर में सबसे टॉप में आपको ये वाला स्किन जो मिलने वाला है, और उसके बाद गाइस सेकंड हाइस्ट में आपको ये वाला गॉन स्किन जो मिलने वाला है। तो ये स्किन गाइस हम देख पर बहुत ओफी है। तो इसके गाइस एट्रीब्यूट्स की बात करें, गाइस के डैमेज को 1+ किया गया है, और इसके रेंज को 2+ किया गया है, और इसके एक्यूरेसी को 1- किया गया है। तो हमारे M187 इनक्यूबेटर में सेकंड हाइस्ट में आपको ये वाला स्किन जो मिलेगा, और उसके बाद गाइस हमारे M187 इनक्यूबेटर में थर्ड नंबर पर आपको ये वाला गॉन स्किन जो मिलने वाला है। और इसके गाइस एट्रीब्यूट्स की बात करें, गाइस रेट ऑफ फायर को 1+ किया गया है, और इसके एक्यूरेसी को 2+ किया गया है, और इसके मूवमेंट स्पीड को 1- किया गया है। तो हमारे M187 इनक्यूबेटर में तीन नंबर पर आपको ये वाला गॉन स्किन जो मिलेगा, और हमारे M187 इनक्यूबेटर में लास्ट नंबर पर आपको ये वाला गॉन स्किन जो मिलने वाला है। और इसके गाइस एट्रीब्यूट्स की बात करें, गाइस रीलोड स्पीड को 2+ किया गया है, और इसके एक्यूरेसी को 1- किया गया है, और इसके आर्मर ब्रेडिंग को 1+ किया गया है। तो हमारे M187 इनक्यूबेटर में लास्ट नंबर पर आपको ये वाला गॉन स्किन जो मिलेगा। और उसके बाद चलिए बात करते हैं ये M187 का इनक्यूबेटर हमारे गेम के कौन से इवेंट में आएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस पिछली बार जो हमारा इनक्यूबेटर आया था, तो गाइस उसके अंदर से आपको देखने मिला था हमारा A94 का गॉन स्किन। लेकिन पिछले बार का जो इनक्यूबेटर बंडल था, तो वो गाइस आपको देखने मिला था ये गेमिंग डाइस इवेंट में। लेकिन इस बार गाइस हमारा इनक्यूबेटर बंडल को जो है हमारे इनक्यूबेटर भीतर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से जल्दी ये M187 का इनक्यूबेटर को किसी वेब इवेंट के भीतर देखने मिलेगा। तो ये M187 का इनक्यूबेटर हमारे गेम को कब आएगा, तो अभी गाइस इसका कंफर्म डेट जो नहीं आया है। तो जैसे गाइस मुझे इसका कंफर्म डेट मिलेगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो ये वीडियो गाइस हमारा यहीं तक था। वीडियो को कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और गाइस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।